नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश के जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष खबर है कि उनके लिए जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आउट किया गया है और इस फॉर्म में टोटल मिलाकर के आपके 1186 वैकेंसी शो की गई है। 1186 वैकेंसी आपके लिए है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। उसके अलावा अगर एजुकेशनल डिटेल की बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पर 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो 12th में नहीं 12th आप डाल सकते हैं 12th वाले, और साथ ही साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डोएक का होना चाहिए, और इसके अलावा 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, किसमें, हिंदी में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को बहुत आराम से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों तरीका दिया गया है कि किस टाइप से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और एक विशेष सूचना जरूर और है, वो क्या है कि यहाँ पर EWS कैटेगरी को भी जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो जिन्होंने EWS कैटेगरी में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है यानी अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, और फॉर्म कैसे भरा जाना है उसकी पूरी चीज़ें आपको जो है बता दी जाएंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। अब यहाँ आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है जो अनारक्षित वाले हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं टोटल इनको 185 रुपीज़ का शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति के लिए 95 है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 है, और विकलांग जन हेतु 25 रुपये आपको शुल्क जमा करना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंटल वाइज दिया गया है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परिवहन आयुक्त संभागीय शाखा, यहाँ पर 88 वैकेंसी अनारक्षित के लिए, अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुल ये तो टोटल आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और मेन बात करते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि जो है EWS के बारे में जो बताया था मैंने वो, और बाकायदा देखिए यहाँ पर दिया है विशेष टिप्पणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को आरक्षण अनुमान्य किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। इस जो भी इसके अंतर्गत आ रहा होगा वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, ये पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, ताकि वो इसी के अनुसार काम कर पाए। अब देखिए यहाँ पे अनिवार्य अर्हता के बारे में यहाँ दिया गया है आपको साफ साफ कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपके लिए अनिवार्य है। तो मैंने केवल हिंदी बताया था दोस्तों, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। DOECC डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया कोई भी प्रमाण पत्र। इसके बाद जो है जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो सब दी होती हैं, वो तो आपके लिए है ही। बाकी आयु सीमा की बात की जाए तो आयु जो है आपकी 1 जुलाई 2019 को आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए, सेम डेट यानी 1 जुलाई 2019 तक में ही। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है और क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी आपको साफ साफ बताया गया है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा ही होगा। साथ ही साथ चयन का आधार बताया गया है कि आयोग कनिष्ठ आयोग सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पद पे चयन हेतु उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन भी करा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बारे में भी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा ही आपकी होगी और उसी को जो है आधार बनाया जाएगा आपके सेलेक्शन का, और लिखा हुआ है तदनुसार लिखित परीक्षा टंकण परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित भी किया जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर अभ्यर्थियों के लिए जो है जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो ये नॉर्मल जैसे सभी को दिशा निर्देश दिए जाते हैं हर पेपर में, उसी प्रकार से आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको दोस्तों मैं अपने जो है चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप जो है जाकर के इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी एक वीडियो पूरी बना करके आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और इन सब वैकेंसी की तैयारी के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे चैनल को क्या कर लेना है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इन सभी पूरी जो वैकेंसीज आ रही हैं इनकी तैयारी मैं आपको 1 जुलाई से कराना चालू कर दूंगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।